क्यों? मेरी शराफत तुम्हें रास नहीं आ रही ना कमिश्नर? एक जायज सलाह दी थी, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी ललकार का अंजाम भी देख लो। अंजाम की बारी तो अब तुम्हारी है देवा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस कानून के तहत? किस कानून के तहत तुमने विजय को गिरफ्तार किया है? अनीता को किडनैप करने के जुर्म में। अनीता को किडनैप? विजय तो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे भांजे को यह हौसला दिया है जो उसने कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी को किडनैप किया है। अगर विजय ने अपने इकबारे जुर्म में तुम्हारा नाम ले लिया देवा, तो आई प्रॉमिस यू मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें हथकड़ियां लगाऊंगा। तुम्हारे कानून के पास वो गारा, वो चूना, वो सीमेंट नहीं जो मुझे या विजय को कैद करने की दीवार खड़ी कर पाए। डोंट डेयर चैलेंज मी देवा, डोंट डेयर चैलेंज मी। सर, कुछ आदमियों ने पुलिस जीप पर स्मोक बम से हमला किया और विजय को फरार करके ले गए। What? और ये पर्चा पुलिस जीप से देवा के नाम का मिला है सर। मेरे नाम का पर्चा? देवा, तुमने विजय को फरार करवा के उसे कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने किया। यस, मैं तुम्हें उस दर्जे का गुनहगार मानता हूं कि एक ही जगह रहकर एक ही वक्त तुम 10 गुना कर सकते हो। अरेस्ट दिस मैन। कमिश्नर, अगर तुम अपनी सरकारी ताकत आसमाने पर उतारोगे तो मेरी गैर सरकारी ताकत दंगा खून